वेलकम टू लोकेश योगी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे पहुंच गए हैं और इस जगह का नाम है ऋषिकेश। जी हाँ दोस्तों, हरिद्वार और ऋषिकेश। हरिद्वार का मतलब हरि का द्वार और ऋषिकेश का मतलब ऋषि का केश। तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह है और मैं अपनी धर्मपत्नी जी के साथ कल रात को बीकानेर से रवाना हुआ था और आज सुबह यहाँ पे पहुँचा। और अभी ये जो जर्नी है, इस जर्नी को यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहा हूँ और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा कि ऋषिकेश और हरिद्वार में क्या ऐसा है जो आपको यहाँ पे ज़िंदगी में एक बार क्या हर बार 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 आते रहना चाहिए। हाँ तो दोस्तों, हम पहुँच चुके एक बहुत ही खूबसूरत जगह, राम झूला। ये राम झूला इसे कहते हैं और ये झूला तो है लेकिन ये एक्चुअल में ब्रिज है। ये ब्रिज जो स्टील वायर्स है इनसे मिलके बना हुआ है और जब आप इस पर चलते हो तो ये थोड़ा हिलता हुआ दिखाई देता है, हिलता हुआ में फील होता है। तो एक बड़ा एडवेंचरस मोमेंट रहता है इस पर चलना और इसकी मजबूती इतनी अच्छी है कि इस पर गाड़ियाँ भी चल सकती है, जैसा कि आप अभी गाड़ियों को गुजरते हुए देखेंगे यहाँ पे। और हरिद्वार और ऋषिकेश में जो मुख्य आकर्षण का बिंदु है, अगर आप पूछें कि भाई यहाँ पे मंदिर कौन सा है, तो यहाँ पे मंदिर कोई भी फिलहाल नहीं है। वैसे तो यहाँ पे बहुत मंदिर बने हुए हैं, अलग अलग जो धर्म गुरु हैं उन्होंने अपने आश्रम में अलग अलग तरह के मंदिर बना रखे हैं, पर वाकई में देखें तो गंगा नदी जो है वाकई में ये एक मंदिर है और ये एक धाम है। और इस नदी का स्नान जो है वो पवित्र होता है, इतना पवित्र होता है कि आप एक बार अगर डुबकी लगाएं तो आपको खुद पता चलेगा, क्योंकि जो पानी है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे, ये गंगा नदी है और ये यहाँ से पहाड़ों से आती है, ग्लेशियर्स जो होते हैं उनसे पिघल के बहुत ही ठंडा पानी होता है। और इसमें नहाने के बाद में जो अनुभव होता है, ठंडक का एहसास जो होता है, वो हमारे मन को बहुत सुकून देता है। तो दोस्तों एक बार ज़रूर यहाँ पे स्नान करके देखें, फिर आपको पता चलेगा कि मेरे शब्दों का महत्व क्या है। तो दोस्तों अपन पहुंच चुके हैं एक यहाँ का सबसे फेमस रेस्टोरेंट, चोटी वाला रेस्टोरेंट, जो राम झूला के जस्ट पास में ही है और बड़ा फेमस है यहाँ पे खाना। तो देखते हैं कैसा है ये। हमने यहाँ पे पूरा एक फुल थाली ऑर्डर किया था, 300 रुपये जिसका कॉर्स था और 300 रुपये में देखो क्या क्या हमें मिला है और देखने में बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है, खा के देखते हैं कैसा है। दोस्तों हम यहाँ पे नदी के किनारे जो रेस्टोरेंट है चोटी वाला, उसमें नदी का व्यू लेते हुए हमने खाने का आनंद लिया और बहुत ही शानदार अनुभव रहा। हमने यहाँ पे आके ऋषिकेश में एक स्कूटी ले लिया है जिसका रेंट हमें 500 रुपये लगा और पर डे 500 रुपये ज़्यादा नहीं है मेरे ख्याल से। अब यहाँ पे हम जो दूसरे बाकी के आसपास के प्लेसेस हैं उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे नीलकंठ महादेव हो गया और हम कल स्कूटी के माध्यम से देहरादून और फिर वहाँ से आगे मंसूरी जाने का भी प्लान बना रहे हैं। तो देखते हैं आगे और भी एडवेंचरस जर्नी क्या रहती है। दोस्तों ये है गंगा नदी के किनारे का शाम का बहुत ही मनोरक व्यू। तो शाम को जब सूर्यास्त होता है तो काफ़ी अच्छा माहौल होता है यहाँ पे देखने का और इतना मन शांत और रिलैक्स्ड फील होता है। और ये नेचुरल है, जैसा आप देखते हो लोकेश योगी पे हम ध्यान के अलग अलग वीडियोस बनाते हैं, तो ध्यान से जैसा रिलैक्सेशन मिलता है वैसा यहाँ पे आप जब भी कभी विजिट करने आओगे तो एक नेचुरल जो होता है, स्वाभाविक जो ध्यान की अवस्था है आपको शाम के समय यहाँ पे महसूस होती है। यहाँ पे गंगा आरती बड़ी प्रसिद्ध है शाम की, जो अलग अलग घाटों पे होती है, परंतु अभी कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से वो हमें देखने को नहीं मिलेगी। और बहुत सारे साधु संन्यासी संत जो है शाम को यहाँ पे घाट के ऊपर आके ध्यान लगाते हैं और सत्संग और कीर्तन करते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत मनोरथ एक माहौल रहता है शाम का। और शाम को आप घाट के पास आकर ज़रूर बैठे, बहुत अच्छा लगता है। हमने जब स्नान किया था तो पूरा बर्फ़ जैसा पानी था और अभी थोड़ा उम्मीद है कि पानी कम ठंडा होगा। शाम के समय पानी की ठंडक और भी ज़्यादा है और काफ़ी ठंडा लग रहा है पानी यहाँ पे, पर बहुत अच्छा लग रहा है ठंडा पानी जब पैरों को छूके जा रहा है, तो बड़ा सुकून मिल रहा है
और आप सामने उधर देख सक रहे हो, ये लक्ष्मण झूला है और जो सुबह हमने देखा था वो राम झूला है। दोनों आसपास ही है, दोनों एक तरह के ब्रिज है स्टील से बने हुए। और देखिए आप गंगा नदी किस तरह से निर्मल और शुद्ध पानी का बहाव बड़ी तेज़ी से चल रहा है। हम स्कूटी पे अभी ऋषिकेश से देहरादून के लिए रवाना हो गए हैं और देहरादून से मंसूरी जाएंगे और काफ़ी एक्साइटिंग ट्रैक है ये। आप देख सकते हो सड़क कितनी खूबसूरत है, यहाँ पे पेड़ पौधे हैं और सड़क भी बहुत शानदार है। और जैसा कि हमने बताया था कि हमने स्कूटी ले ली है और अभी स्कूटी पे हम जा रहे हैं। अभी देहरादून सड़क पकड़ ली हमने जो ऋषिकेश से थोड़ी सी दूरी पे ही मिल जाती है हमें, 1 किलोमीटर दूरी पे। और आप देख सकते हो शानदार नज़ारा है रास्ते का। मसूरी की ओर जो सड़क शुरू होती है वो है और बहुत ही खूबसूरत है। साइड में जो पेडेस्ट्रियंस रोड है वो भी बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है। यहाँ पे फोटोग्राफी के लिए बहुत ही अच्छा जगह है यहाँ पे कपल्स के लिए। दोस्तों हम मसूरी की पहाड़ियों में आ चुके हैं और काफ़ी मस्त नज़ारे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। पहाड़ों को देखो आप और यहाँ पे सड़कें बहुत ही ज़बरदस्त बनी हुई है और स्कूटी खुद का होने की वजह से हम बीच के भी जो बहुत अच्छा सिनहरी दिखाई देता है जहाँ पे, उस माहौल को भी देख रहे हैं। और जल्द ही 10-15 किलोमीटर ऐसे ही पहाड़ों के बीच में चल के मसूरी पहुँचेंगे हम और वहाँ की साइट्स को देखेंगे। हम मसूरी जो झील है उसे देखने जा रहे हैं और आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी घुमावदार मोड़ है। जो मेन रोड है, मेन रोड से नीचे उतरते ही यहाँ पे एक काफ़ी खूबसूरत मसूरी झील आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे शानदार टर्न आपको देखने को मिलेगा। मसूरी में हम पहुँच चुके हैं और कैंपटी फॉल की तरफ जा रहे हैं, तो बहुत ही शानदार यहाँ पे पहाड़ियों के बीच के टर्न्स। और अभी दोपहर का समय है और इतनी छाया हो चुकी है पहाड़ की वजह से कि ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरा सा हो गया है। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का और काफ़ी सर्दी लग रही है और अभी ये टाइम सर्दी का है नहीं, दोपहर के टाइम में भी यहाँ पे ठंड सी लग रही है। है मसूरी का कैंपटी फॉल, बहुत ही खूबसूरत और मसूरी से लगभग 15 किलोमीटर दूर। और यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं और नहाने में बड़ा मज़ा आता है। मैं और मेरे जो वाइफ है हम दोनों ने यहाँ पे स्नान की, नहाए और बहुत ठंडा पानी था लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। दोस्तों गंगा जी में आके दीप शाखा का जो बहाव है वो बहुत ही पवित्र माना जाता है, तो यहाँ पे 10 रुपये में ये मिलता है और उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, काफ़ी फूल होते हैं, गुलाब का फूल होता है और अगरबत्ती भी होती है, तो इसका बड़ा महत्व है। ऋषिकेश में राफ्टिंग पे जा रहे हैं, तकरीबन 12 किलोमीटर का राफ्टिंग होगा, काफ़ी एडवेंचर होने वाला है, देखते हैं। ये देखो हमारी बोट है और इसमें हम जाएंगे। काफ़ी ब्यूटीफुल सीनहरी है यहाँ पे, देखो पीछे पहाड़ भी है। और यहाँ से 12 किलोमीटर ऋषिकेश पहुँचेंगे हम, तकरीबन 2 घंटे का टाइम। तो राफ्टिंग के दौरान हम एक यहाँ पे क्लिफ पे रुके हैं जहाँ पे जंप करते हैं और यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत झरना है।
यात्रा थी ऋषिकेश हरिद्वार और मसूरी की, वो अब पूरी हो गई है और अब हम मैं अपनी पत्नी जी के साथ वापस बीकानेर जा रहा हूँ और अभी शाम का 4:30 बजे है और बस का हमने टिकट करा रखा था तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे कंफर्टेबल एक चैम्बर मिला हुआ है हमें। मैं इसको छोटा मिनी रूम तो नहीं बोलूँगा, एक चैम्बर है जिसमें एसी लगा हुआ है बहुत बढ़िया और दो लोगों के सोने की फैसिलिटी है यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो लगभग कल मॉर्निंग में 7:30 बजे हमें बीकानेर पहुँचा देगी और बहुत अच्छा लगा दोस्तों। और पूरी जर्नी में जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि आप अगर धार्मिक कुछ अनुष्ठान कराना चाहते हो तो हरिद्वार में हर की पौड़ी पे आप धार्मिक अनुष्ठान कराओ, जैसे जो अस्थियों का विसर्जन है वगैरह वगैरह। और अगर आपको थोड़े एडवेंचरस हो, जैसे कि आपको रिवर राफ्टिंग कराना है जैसे स्पोर्ट्स, वो अगर आप चाहते हो तो आप ऋषिकेश में जाओ। और अगर आप कपल हो, थोड़ा हनीमून टाइप फीलिंग लेना चाहते हो तो मसूरी जाओ, तो बहुत ही अच्छा ट्रिप रहता है। और अगर आप वहाँ पे रेंट पे बाइक ले लेते हो तो बहुत ही बढ़िया रहता है, तो बहुत ही शानदार रहा। तो अपन देखेंगे अब नेक्स्ट वीलॉग में भी, और ये वीलॉग आपको कैसा लगा, मेरा पहला वीलॉग है, जो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और आपके जो राय है, आपका जो फीडबैक है, मुझे और मोटिवेट करेगा आने वाले और वीलॉग्स के लिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, इस यात्रा के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट जर्नी में।